हेलो फ्रेंड्स, माय सेल्फ डॉक्टर राज पटेल, मैं गुजरात राजकोट सिटी से हूँ। आज हम बात करने वाले हैं लेडीज की जो सबसे बड़ी समस्या है, लेडीज का जो कान का छेद है वो हैवी ज्वेलरी पहनने से या उम्र के हिसाब से या इम्बेलेंस की वजह से वो काफी लंबा हो जाता है, काफी चौड़ा हो जाता है, कभी कभी वो नीचे से पूरा कट जाता है। तो आज हम बात करने जा रहे हैं कि ये जो समस्या है उसको बिना टाका लगाए कान का जो छेद है उसको कैसे ठीक किया जाता है। तो आज हम देखेंगे, ये मेरे पास मिरेकल ईयर पेस्टिंग लोशन का पूरा किट है। ये किट में ईयर पेस्टिंग लोशन लगाकर कान का जो छेद है उसको ठीक किया जाता है। तो इसका पूरा प्रोसेस है वो हम आज आपको दिखाने जा रहे हैं। एक किट में से ईयर पेस्टिंग लोशन लगाकर कान का छेद कैसे ठीक करते हैं वो देखते हैं। ये जो किट है उसको हम पहले ओपन कर लेंगे। ये किट में पूरा सब चीज साथ में दिया गया है। इसमें ये ईयर पेस्टिंग लोशन है, ये वुडन स्टिक है, एंटीसेप्टिक लिक्विड दिया गया है, डॉक्टर टेप दिया गया है और ये कॉटन ब्रश है। हेलो फ्रेंड्स, ये जो बेंजी है इसका जो कान का छेद है वो हैवी ज्वेलरी पहनने से या इम्बेलेंस की वजह से या उम्र के हिसाब से काफी बड़ा हो चुका है। तो ये आप देख सकते हो, ये जो बेंजी है, ये जो माजी है, इसका जो कान का जो छेद है वो काफी बड़ा हो चुका है। बाजी का दोनों कान का छेद काफी बड़ा हो चुका है। तो आज हम इसको ये मिरेकल ईयर पेस्टिंग लोशन लगाकर इसको परमानेंट कैसे ठीक करते हैं वो हम आपको इसी वीडियो में पूरा दिखाएंगे। ट्रीटमेंट स्टार्ट करने से पहले हम अपना जो हैंड है उसका हाइजीन का पूरा ख्याल करेंगे, इसीलिए हम अपना जो हैंड है उसमें हम हैंड ग्लोव्स पहन लेंगे। हैंड ग्लोव्स पहनने के बाद हम अपना हाथ ही उसको हैंड सैनिटाइजर लगाकर अच्छे से क्लीनिंग कर देंगे। अब हम ये ट्रीटमेंट स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो पहले ये जो कान का जो छेद है उसको हम ये एंटीसेप्टिक लिक्विड लगाकर अच्छे से क्लीनिंग कर देंगे। ये कॉटन बड्स के ऊपर हम ये एंटीसेप्टिक लिक्विड लगाकर ये जो कान का छेद है उसका अंदर के हिस्सों से अच्छे से सफाई कर लेंगे। सफाई हो जाने के बाद हम इसको पूरा ड्राई कर देंगे। आप देख सकते हो ये बेंजी का जो कान है उसका हमने अच्छे से क्लीनिंग कर दिया है और उसका कान का जो छेद है उसको अच्छे से ड्राई भी कर लिया है। अब हम ये जो बेंजी का जो कान है उसके अंदर ये ईयर पेस्टिंग लोशन को अप्लाई करेंगे। तो पहले ये ईयर पेस्टिंग लोशन का जो बोतल है उसका जो ढक्कन है उसको हम वैसे ओपन कर देंगे। फिर ये वुडन स्टिक है वो ये बोतल के अंदर की साइड में ऐसे डुबाएंगे और डुबाने के बाद इसको बाहर निकालने से पहले हम इसका ये वुडन स्टिक को बोतल के अंदर के सरफेस से डिप कर लेंगे ताकि ये लोशन का अधिक मात्रा वुडन स्टिक के ऊपर ना आ पाए। अब हम ये ईयर पेस्टिंग लोशन है ये बेंजी का जो कान है उसके अंदर के हिस्सों में लगाएंगे। ये जो ईयर पेस्टिंग लोशन है ये बेंजी के कान का जो छेद है उसके अंदर के हिस्सों में ऐसे क्लॉकवाइज लगाएंगे, फिर इसको हम एंटी क्लॉकवाइज लगाएंगे। ऐसे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज हम इसको लगाएंगे। ईयर पेस्टिंग लोशन लगाने के बाद हम इसको 2 मिनट तक ड्राई होने देंगे ताकि ये जो मेडिसिन हमने अप्लाई किया है वो स्किन के अंदर एब्जॉर्ब हो जाए। और 2 मिनट ड्राई हो जाने के बाद हम इसको ये मेडिकल टेप लगाकर इसका ड्रेसिंग कर देंगे। बेंजी का जो कान है उसमें हमने ये मेडिकल टेप लगाकर इसका इस तरह से ड्रेसिंग कर दिया है। आप देख सकते हो ये बेंजी का ये ईयर पेस्टिंग का ट्रीटमेंट कंप्लीट हो चुका है। अब हम आपको इसी वीडियो में दिखाएंगे कि ये ट्रीटमेंट हमने किया है इसका आपका आफ्टर 15 डेज यानी कि 15 दिन के बाद ये ट्रीटमेंट का कैसा रिजल्ट रहता है वो हम आपको इसी वीडियो में दिखाएंगे। तो आप हमारे साथ ये वीडियो में बने रहे। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, ये जो बेंजी है वो आज से 15 दिन पहले हमारे पास ईयर पेस्टिंग का ट्रीटमेंट यानी कि उसका जो कान का छेद बड़ा हो चुका था उसका हमारे पास ये मिरेकल ईयर पेस्टिंग लोशन लगवा कर ट्रीटमेंट करवा के गए थे। तो वो आज हमारे पास आज इसीलिए आए हैं कि उसका जो कान का छेद बड़ा हो चुका था वो कम्प्लीटली हीलिंग हो गया है, यानी कि कान का छेद बड़ा हो गया था वो अच्छे से जुड़ चुका है। अब वो बहन जी अपना जो कान है उसमें दूसरा छेद बनवाना चाहते हैं। तो हम आपको ये भी दिखा देते हैं कि ये जो हमने आज से 15 दिन पहले ईयर पेस्टिंग का ट्रीटमेंट किया था उसका कैसा रिजल्ट रहा है। आप देख सकते हो ये जो बेंजी का जो कान का छेद है वो कंप्लीट अच्छी तरह से जॉइंट हो चुका है।
अब हम इसके ऊपर दूसरा छेद बनाएंगे। दूसरा छेद बनाने से पहले हमको जहाँ पर ये छेद बनाना है वहाँ पर एक मार्किंग बना लेंगे, एक निशाना बना लेंगे, ताकि उसके ऊपर हम नया छेद बना सके। तो मैं पहले इसमें मार्किंग बना लेता हूँ। इस तरह से हम ये जो कान का छेद है उसके ऊपर हम ऐसे मार्किंग बना लेंगे। आप देख सकते हो मैंने ये कान के ऊपर मार्किंग बना लिया है। अब ये ईयर पियर्सिंग गन की मदद से ये जो बेंजी है उसका जो कान है उसमें हम आज दूसरा छेद बनाएंगे। तो पहले ये जो ईयर पियर्सिंग गन है उसको हम ऐसे लोड कर लेंगे। ये लोड हो जाने के बाद हम ये जो ईयर पियर्सिंग का जो स्टड है उसको ये गन के अंदर की तरफ ऐसे फिटिंग कर लेंगे। आप देख सकते हो मैं ये ईयर पियर्सिंग स्टड को ईयर पियर्सिंग गन के अंदर अच्छे से फिटिंग कर लिया है। अब हम ये जो बेंजी है उसका जो कान है उसमें दूसरा छेद बनाने जा रहे हैं। ये ईयर पियर्सिंग करने से पहले ये जो ईयर का जो लोब है उसको हम इस तरह से नीचे की तरफ खींच कर रखेंगे। फिर हमने जहाँ पर ये मार्किंग बनाया है वहाँ पर ये ईयर पियर्सिंग का जो स्टड है उसका अच्छे से निशाना लगाएंगे। निशाना लगाने के बाद हम एक गन को अनलोड करेंगे तो यहाँ पर दूसरा छेद बन जाएगा, यानी कि ईयर का रीपियर्सिंग हो जाएगा। आप देख सकते हो मैं यहाँ पर ये गन है उसको अनलोड करने जा रहा हूँ। ये मैंने गन है, आप देख सकते हो मैंने ये जो गन है उसको अनलोड कर लिया है और ये जो बेंजी का जो कान है उसमें ये दूसरा छेद बन गया है। बेंजी का ईयर का रीपियर्सिंग का ट्रीटमेंट कंप्लीट हो चुका है। आप देख सकते हो ये जो बेंजी है उसका ये ईयर का पेस्टिंग का ट्रीटमेंट पहले हमने कंप्लीट किया, उसके बाद हमने वो उसका जो कान है उसमें दूसरा छेद बनाने का ट्रीटमेंट यानी कि ईयर का रीपियर्सिंग का ये दोनों ट्रीटमेंट कंप्लीट कर दिया है। अब हम ये बेंजी की राय लेते हैं कि इसको ये ट्रीटमेंट के दौरान कैसा एक्सपीरियंस रहा है, क्या हुआ है। आपको ये आपने ये ट्रीटमेंट हमारे पास लिया तो आपको ये ट्रीटमेंट का कैसा एक्सपीरियंस रहा है, आपको कैसा अच्छा लगा है, क्या हुआ? अच्छा लगा है। ठीक है, आपको ये ट्रीटमेंट के दौरान कोई दर्द वगैरह, कोई परेशानी, कोई मुश्किल, कोई समस्या कुछ हुआ था? नहीं, कोई मुश्किल नहीं। कोई मुश्किल ही नहीं हुआ। अच्छा, आप ये ट्रीटमेंट से खुश हो? हाँ, नहीं, खुश हूँ। अच्छा, ये बहन जी है इसका ट्रीटमेंट हमने कंप्लीट कर लिया है और ये बहन जी को ट्रीटमेंट के दौरान कोई तकलीफ वगैरह कुछ नहीं हुआ है, तो बहन जी अपने जो ट्रीटमेंट किया है उससे बहुत खुश है। अगर आप भी अपने घर बैठे ये ट्रीटमेंट लेना चाहते हो या ट्रीटमेंट करना चाहते हो या फिर अपना जो प्रोफेशन यूज़ के लिए आपको ये ट्रीटमेंट सीखना चाहते हो तो आप हमारे साथ संपर्क कर सकते हैं। यदि आपको ये मिरेकल ईयर पेस्टिंग लोशन का रिक्वायरमेंट है तो आप हमारे पास से ऑर्डर करके मंगवा भी सकते हैं। और आपको ये ट्रीटमेंट के रिलेटेड कोई क्वेरी है या आपको ये ट्रीटमेंट के लिए कोई जानकारी चाहिए तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर आ सकते हैं या फिर ये नीचे दिए गए हमारे कॉन्टेक्ट नंबर से हमारे साथ संपर्क कर सकते हैं। आप ये वीडियो देख रहे हो तो आपका शुक्रिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करने को मत भूलिएगा। थैंक यू। जय हिंद।